भाई इस वक्त मेरे हाथ में जो आप बर्गर देख रहे हैं ना, ये कोई आम बर्गर नहीं है, ये है अंडे वाला ब्रोस्टेड बर्गर। और ये एक नई चीज आ गई है दोबारा हैदराबाद के अंदर जी, ब्रोस्टेड बर्गर है मायो के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिमरान पर अवेलेबल है। अदरवाइज ये कहीं पर भी अभी इस वक्त में करंट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये यहीं पर ही अवेलेबल है। जो कि हमारे पास चिकन मायो बर्गर है, श्रेडेड चिकन बर्गर है जिसे हम रेशा बर्गर कहते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। भाई इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हिंद मेहरान रेस्टोरेंट पर और यहाँ पे खाने के लिए आए हम लोग इनका अंडे वाला बर्गर जो कि ब्रोस्टेड के अंदर बर्गर है वो टेस्ट करते हैं, और इनकी जो आइसक्रीम है वो भी टेस्ट करते हैं। आपको दोनों का हम लोग बताते हैं कि भाई इनका सेटअप क्या है। बर्गर जो है हमारे पास 6 साल से बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे इंट्रोड्यूस हम सिर्फ इस वजह से करें क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले। और भारी भाई आप आए तो आपके व्लॉग की वजह से शायद ये लोगों में अवेयरनेस आए कि यहाँ पर ये चीज़ भी अवेलेबिलिटी है। भाई बर्गर को आपको थोड़ा सा ना इसमें खोल के दिखाते हैं हम, और ये आप देख सकते हैं अंडे की एक लेयर है और उसके नीचे है, इसके नीचे ब्रोस्टेड जो है ना, जो चिकन ब्रोस्टेड होता है वो है। तो फर्स्ट बाइट लेते हैं और फिर आपको बताते हैं खाकर कैसा है। ब्रोस्ट के जायके से जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रंची वो आ रहा है, तो टेस्टी तो है, और जो इनका जो मसाला है ना वो भी बहुत टेस्टी है। अगर ये नहीं कि अगर आप सिर्फ इनका जो ब्रोस के साथ खाएंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, और ब्रोस से एक वाकई एक नया लुक आ रहा है, तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं इस बर्गर की सबसे यूनिक चीज़ कि आपको इसके मसाले के साथ साथ इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, अंडे की एक लेयर और उसके साथ साथ इसका ब्रोस। और टेस्ट मैं आपको उसको करके बताता हूँ, इस बर्गर के टेस्ट को दो चीज़ें जो इस बर्गर को यूनिक बना रही हैं, एक इसके ब्रोस्ट और दूसरा इसका जो इंग्रेडिएंट्स वाला मसाला है। तो मुझे तो यार टेस्ट के हवाले से बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप अगर डिफरेंट टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं बर्गर को छोड़ के इसे अंडे वाले से अगर आप बेजार हो चुके हैं तो आप लाजमी ब्रोस्ट वाला बर्गर ट्राई करें, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और इसके अलावा सुपर डबल होता है हमारे पास, जिंगर है, ब्रोस्ट है, फालूदा आइसक्रीम, अदरवाइज ऑल काइंड ऑफ तकरीबन खाने पीने की बेहतरीन इन्जॉयमेंट की चीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह आप आएँ, चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए। सिंध मेहरान के पास आपको आइसक्रीम और फालूदा दोनों चीज़ें मिलेंगी फूड के अलावा, ठीक है। तो ये है कि अभी इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, फालूदे को थोड़ा सा मिला लेते हैं क्योंकि जब तक आप इसको मिक्स नहीं करते ना तो वो मज़ा नहीं आता। तो ज़रा टेस्ट करते हैं कि इनका फालूदा कैसा है। रबड़ी का टेस्ट तो मज़े का लग रहा है यार, जो आ रहा है, और आइसक्रीम भी इनके अंदर है। टेस्टी यार, फालूदा भी अच्छा है इनका। बर्गर मैंने तकरीबन खा लिया है। अच्छा, मसाला मुझे थोड़ा सा तेज़ लग रहा है इसका ना, लेकिन जो ब्रोस्ट है ना उसने इस सारी चीज़ों को कवर कर लिया, क्योंकि उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। उसके अलावा आपने क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट करना है मुझे, लिंक आपको नीचे कमेंट के अंदर मिल जाएगा अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का काम अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं हमारी टीम को इस फेसबुक पेज पे, और उसके अलावा हमारा जो इंस्टा पेज है अब्दुल बारी प्रोडक्शन के नाम से, वहाँ पे जाके भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं भाई आप एड्रेस सही नहीं बताते, अब आपको वीडियो में बता रहा हूँ। ये आपका गिद्दू चौक आ गया, दिखाओ भाई चौक दिखाओ, ये गिद्दू चौक है, ये सौगाते श्री है, और ये आ गया इनका मेहरान, सिंध मेहरान रेस्टोरेंट जो कि आपको मिलेगा गिद्दू चौक पर। तो आप आ जाइएगा भाई, अब तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। 200 का इनका बर्गर है ब्रोस्टेड का, और अगर आप मेरा कूपन यूज़ करेंगे AB25 आके इनको बोलेंगे तो आपको 180 का वो बर्गर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इनका फैमिली हॉल भी है, जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं भाई फैमिली का बंदोबस्त है नहीं है, तो यहाँ पर फैमिली हॉल का अरेंजमेंट है। उसके अलावा जो इनका एक और जो बहुत पुराना है वो है इनका चिकन बर्गर, जो कि जिसको कहते हैं आप रेशा बर्गर, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये है कि आप अगर यहाँ पर आएँ तो असल जो इनका ब्रांड है ना वो यही चीज़ है, तो जब यहाँ पर आएँ तो इनकी दोनों चीज़ों को ट्राई करें और बताइएगा वीडियो देखकर कि आपको इनका जो टेस्ट है वो कैसा लगा।